ये शुद्ध जल डाला जा रहा है सब डब्बा में, डब्बा नहीं है। हाँ ओके ओके, बस इतना ना डालो सब में। देखो आशुद्ध जल है, डिस्टिल्ड वाटर, हाँ डालो क्योंकि करेंट है छोटा, इसका परिपथ भंग है अभी, है ना, परिपथ इसका चालू नहीं है, पूरा नहीं है, परिपथ भंग किए हुए हैं। सब में पानी दिया है ना आशुद्ध जल, अगर हम इसमें डुबाते हैं दोनों का बल्ब जल जाता है, इसका मतलब यह है कि बिजली का चलन हो गया, सुचालक बन गया, लेकिन क्या जलेगा, क्या होगा आशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। हम लोग ट्राई करते हैं पानी जल, ये देखिए डाल दिए, बल्ब जला नहीं ना जला, अब इसमें भी डालते हैं, इसी में भी नहीं जलेगा क्योंकि सब जो है आशुद्ध जल है वह नहीं जलेगा, ठीक है, नहीं जल रहा है। जैसे उसका परिपथ पूरा करेंगे हम रासायनिक प्रभाव से, रासायनिक पदार्थ डालेंगे कुछ भी, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है, यदि हम किसी भी आशुद्ध जल में, शुद्ध जल में कोई भी रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जैसे कि अम्ल क्षार और लवण, मुख्यतः इसको मानते हैं हम लोग, जैसे इसमें मिलाएंगे तो उसका परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अर्थात वह विद्युत का चालक निर्देशित करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जान ले, अम्ल विद्युत का क्या होता है, सुचालक या कुचालक। एक हमारे पास दोनों अम्ल ही है, H2SO4 जो बहुत हार्ड अम्ल होता है, खतरनाक अम्ल होता है, सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। एक होता है नींबू, हमारे पास खाद्य पदार्थ नींबू है, इसमें भी एसिड होता है और इसमें भी एसिड होता है, ये भी खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, इसका कभी केमिकल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दोनों एसिड, दोनों का प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्यों ना H2SO4 के बारे में जान लें, H2SO4 विद्युत का क्या होता है, सुचालक या कुचालक, सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। इसमें डालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग टैप की मदद से इसको अंदर ही चिपका लेते हैं ताकि H2SO4 ड्रॉपर की मदद से डालने में हमारा हाथ थोड़ा सा फ्री हुई काम करे, ठीक है। दोनों पानी के अंदर है, दो दिन करके हमने क्या किया, दोनों तार को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब ड्रॉपर की मदद से H2SO4 लेंगे, अब जैसे ही आप H2SO4 डालेंगे धीरे धीरे देखना उसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। H2SO4 डाल रहे हैं, आ गया, जैसे ही H2SO4 का अणु पानी के अणु से पूरी तरह मिल गया तो क्या किया, करंट सप्लाई कर दिया, है ना, या परिपथ बना लिया विद्युत का, आसानी से जल गया। ये तो हमारे पास था H2SO4, ये अम्ल का एक रूप है, अम्ल का दूसरा रूप भी हमारे पास जो खाद के रूप में है, खाद पदार्थ के रूप में, वो भी हमारे पास है, उसका भी दिखाएंगे अभी। अभी जल रहा है इसमें बल्ब, जल रहा है, और ये आशुद्ध जल है, नहीं जल रहा है। अब इसमें तुम जो है हरी नींबू का रस डालो मशीन के द्वारा, आराम आराम से डालना है, आराम आराम नहीं है, दरफरा नहीं, आराम आराम से डालो, डालो डालते रहो, आराम से आराम, परिपथ पूरा ना हो जाए, तुम्हारे हाथ में करंट आ जाएगा। आ रहा है क्या उसमें, और उसमें हल्का आ रहा है ना, तो ये H2SO4 की तरह हार्ड नहीं है जो पूरा वोल्टेज दे देगा, लेकिन यह परिपथ को पूरा किया, इससे पता चलता है कि नींबू में जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वह भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, अर्थात वह भी परिपथ को पूरा कर दिया। ये नींबू का प्रयोग देख लिया, बल्ब जला, हटाएंगे जैसे तो बल्ब ऑफ कर दे, फिर डालेंगे वह पूरा हो जाएगा, उसका परिपथ हो गया ना पूरा, इससे पता लग जाता है ना आसानी से कि इसमें भी विद्युत का सुचालक होता है, गुण होता है।